हेलो फ्रेंड, मैं हूं बाबूराम मौर्य और आप देख रहे हैं GGIMS टेक्निकल चैनल्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज आप लोगों को मैं एक 3-in-1 सिलाई मशीन के बारे में जानकारी देंगे। 3-in-1 का मतलब कि आप एक ही सिलाई मशीन से अलग अलग तीन प्रकार के काम कर सकते हैं, जैसे सिलाई, पीको और कढ़ाई। इस मशीन की डिजाइन साधारण सिलाई मशीन से बिल्कुल अलग है। यह दो प्रकार की आती है, एक चैन सिस्टम और एक गियर सिस्टम। चैन सिस्टम चलाते समय भद्दा और बहुत ही साउंड करती है। गियर सिस्टम चलाते समय बिल्कुल सॉफ्ट चलती है और साउंड लेस होती है। तो आइए इस मशीन को चलाते हैं और आपके सामने इसके कुछ नमूने निकालते हैं, सिलाई, कढ़ाई और पीको तीनों का। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मशीन में हम धागा कैसे लगाएंगे। तो आपके सामने आइए, हम धागा लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कि धागा कैसे लगेगा। तो आप देखते रहिए, आप यहाँ पे एक रील को लगाएंगे इस तरह से और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर तीन होल दिया हुआ है। इसमें बीच वाले होल का हम यूज कर रहे हैं और इस तरह से धागा को यहाँ से नीचे लेके जाएंगे और इसको घुमा करके ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ है। इस स्प्रिंग के दूसरी साइड से इस तरह से ऊपर उठा करके फिर हम यहाँ पे नीडल के नीचे लेके जाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो होल दिया हुआ है। इसमें हम नीचे वाले होल का यूज कर रहे हैं। इस तरह से इसमें धागा डालेंगे और धागा को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी एक हुक दिया हुआ है, इसमें इस धागे को इस तरह से फंसा लेंगे। और साधारण मशीन में धागा आगे की साइड से इस तरह से लगता है, लेकिन इस मशीन में धागा इधर से लगेगा, इस साइड से लगेगा सीधा सीधा। तो आप देखिए, हम इसमें धागा डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इस सुई में धागा डाल दिया है और धागा को धीरे धीरे सीधा पीछे के साइड में इसे खींच लेंगे। सुई में धागा डालकर हमने ऊपर का सिस्टम रेडी कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसके बाबिन में धागा कैसे लगाएंगे और इसका बाबिन किस तरीके से लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि साधारण मशीन में यह बाबिन सीधा साइड से लगा हुआ होता है, इधर की साइड से, लेकिन इस मशीन में बाबिन आप देख रहे हैं कि सीधा सामने की साइड से लगा हुआ है। ये इसका गियर लगा हुआ है यहाँ पे। जब हम मशीन को चलाते हैं तो कंटिन्यू जो है इस साइड से गोल गोल घूमने लगता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने हम इसको चला कर दिखा रहे हैं, ये देखिए बाबिन कैसे कंटिन्यू घूम रही है, तो है ना बिल्कुल अलग। आप देख सकते हैं कि इसका बाबिन कैसे लगातार कंटिन्यू घूम रहा है। अब निकालेंगे इस बाबिन को और देखेंगे कि धागा इसमें कैसे लगा था। आप यहाँ पे इसको इस तरह से नाखून से उठाएंगे और बाबिन को सीधा बाहर निकाल लेंगे। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आपके सामने हम बाबिन में धागा भर दिए हैं और इस तरह से इसको लगाएंगे इसमें और धागे को इस साइड से इसे निकाल लेंगे। अब जो इसको सीधा सामने से इस तरह से करके सीधा सामने से इसमें लगा के और हल्का सा दबाएंगे, ये बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं बाबिन इसमें लग चुका है। धागा को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हेलो दोस्तों, हमने धागा लगाकर रेडी कर लिया है और सिलाई करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें ये है कि सिलाई करने के लिए आप जो यहाँ पर तीर के निशान देख रहे हैं, यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो सिलाई करने के लिए हमको यहाँ पर 0 पर रखना होता है। ये जो तीर के निशान वो है, इसको हमें 0 पर रखना पड़ेगा और इसको जो है यहाँ पर भी एक नंबर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप जितना घना सिलना चाहते हैं तो इसको 2 या 3 पर रखेंगे और जब आप दूरी दूर तक का लगाना चाहते हैं तो इसको आप 4 या 5 पर रखेंगे। तो आप देख रहे हैं हम सिलाई करने के लिए इसको रेडी कर रहे हैं, यानी कि इसको हम 0 पर रखे हैं और इसको हम 3 नंबर पर रखे हुए हैं। अब धागा हमारा पहले से रेडी हुआ है ऊपर का। अब सिलाई मशीन को चलाएंगे और नीचे वाला धागे को हम जो है ऊपर ला देंगे। आप देख सकते हैं नीचे वाला धागा जो है यहाँ पर ऊपर आ गया। अब इस धागा को इसमें इस साइड इस तरह से हम पीछे कर लेंगे और सिलाई के लिए ये रेडी है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको सिल के आपको दिखाते हैं कि कैसी इसकी सिलाई होती है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मशीन सिलाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है और हम आपके सामने कुछ सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने हम सिलाई करने जा रहे हैं इस तरीके से।
अब देखिए आपके सामने हमने सिलाई किया, देखते हैं इसकी सिलाई कैसी होता है। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा और कितना ही बेहतर इसने सिलाई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कितना फ्रेश सिलाई किया हुआ है इसका। और अब आपको हम दिखाएंगे पीको करके कि इस मशीन से पीको कैसे करेंगे। तो फ्रेंड आपने अभी देखा कि हमने आपको सिलाई करके दिखाया, और अब आपको हम दिखाएंगे पीको कैसे करेंगे। पीको करने के लिए सबसे पहले इस तीर के निशान को हम 3 नंबर पर इस तरह से सेट करेंगे, और यहाँ पे एक देख रहे हैं स्क्रू दिया हुआ, इसको इस तरह से टाइट कर देंगे और हल्का सा स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको जो है हल्का सा इसको टाइट कर देंगे, ताकि पीको करते समय यह स्लिप ना करें। तो आप देख रहे हैं ये पीको करने के लिए रेडी है। और पीको करने के लिए दूसरी चीज, ये जो जीप देख रहे हैं ये जीप पीको का बिल्कुल अलग तरीके का है। तो इस पीको करने से पहले इस जीप को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो आइए हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों जीप को चेंज करने के लिए हमें इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस स्क्रू को खोलना होगा। इस तरह से खोल करके, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको हमने खोल दिया, खोल करके इस जीप को हमने निकाल दिया। इस जीप को निकाल करके यहाँ पर जो है पीको वाली जो जीप है हमें चेंज करनी है। इस तरह से इसको हम लगाएंगे, यहाँ पर लगा करके सेट करेंगे और फटाफट जो है इसको हम टाइट कर देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह स्क्रू को इस तरह से हमने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमने टाइट कर दिया। आप देख सकते हैं जीप इसमें लग गया है, ये पीको करने के लिए रेडी है। अब इसे धागे को क्या करेंगे, हम इस तरह से इधर से पीछे कर देंगे। तो दोस्तों पीको करने के लिए मशीन रेडी है। अब हम इसमें कपड़ा लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से इसमें कपड़ा लगाएंगे और जीप को नीचे गिरा देंगे। और कपड़ा का जो आगे वाला हिस्सा है आप देख रहे हैं, इसको हल्का सा इस तरह से उठा के रखना है। इस तरह से उठा के रखेंगे और मशीन को चलाएंगे, इस तरह से चलाएंगे। बस आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा उठा के रखना है इसमें, और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर यहाँ पर पीको किया है इसने। इस तरह से कपड़ा निकाल लेंगे और आपको हम दिखाते हैं कि इसने पीको कैसा किया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसने इधर से पीको किया है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, हमने आपको पीको करके दिखाया। अब आपको हम बताएंगे फूल बनाने के लिए इसको क्या करना होगा। फूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना, हमको इस तीर के निशान को 4 या 5 पर सेट करना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको को हल्का ढीला कर लेंगे। ढीला करके इसको हम 4 या 5 पर ले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको फिर से स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, ताकि फूल बनाते समय स्लिप ना कर दे। अब ये टाइट हो गया है। तो दोस्तों ये मशीन फूल बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम कपड़ा इस तरह से इसमें लगा देंगे और आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाते हैं, क्योंकि फूल बनाने के लिए हमें एक फ्रेम की आवश्यकता होती है जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाएंगे कि ये फूल किस तरह से बनाएंगे और कैसे बनाएंगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसका सैंपल। देख सकते हैं आपके सामने हमने इसको चलाया, आपको हम दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने इस पे धाग चला है। इसको आप चाहें तो और घना भी कर सकते हैं और चाहें तो और दूर दूर भी चला सकते हैं। जिस तरह से इसने इस पे डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन के तौर से आप कोई भी फूल बना सकते हैं। जिस तरीके का फूल बनाएंगे उस तरीके का आपको धागा यूज करना पड़ेगा, और फूल बनाने के लिए आपको एक फ्रेम की आवश्यकता होगी जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है।
तो ये रहा इस मशीन का तीन काम जो आपको हमने बताया। तो दोस्तों ये रहा इस मशीन के तीनों काम, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।